नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक आज आपको लेकर के आया हूं जैसलमेर से जोधपुर मार्ग पर स्थित भादरिया राय माता। भादरिया राय माता का विशाल मंदिर इस मुख्य मार्ग पर स्थित है, हाईवे से अंदर घुसते ही लगभग 12 किलोमीटर की अंदर और बोकरण तहसील में ये स्थित है भादरिया गांव में। और कुछ लोग इसे स्वांग्या माता के नाम से ही पुकारते हैं, कुछ आवड़ माता के नाम से ही पुकारते हैं। कई राजवंशों की, कई वंशों की यह कुल देवी के रूप में पूजित है। लोग यहाँ पर अपने जात झुड़ूले चढ़ाने के लिए आते हैं। और इस मंदिर का जो बाहर से भी आप देखेंगे तो व्यू बहुत विशाल व्यू है और हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, हर तरह की दुकानें यहाँ बाहर है। आइए अंदर चलते हैं, माता जी के दर्शन लेते हैं और साथ ही इस मंदिर की अधिक जानकारी भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि यह मंदिर यहाँ पर किस तरह से बना। और यह मंदिर के बाहर प्रसाद एवं अन्य सामग्री की बहुत सारी दुकानें, यहाँ पर भक्त जो है दिन भर आते रहते हैं। भक्तों का रेला यहाँ माता जी के दर्शनों के लिए लगातार आता रहता है। हर तरह की सामग्री, प्रसाद, खिलौने, खाने पीने की सामग्री यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर दिव्य ज्योत माता जी के लेकर कुछ भक्त श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं। थोड़ी परिचय जानते हैं, आप लोग कहाँ से हैं? जोधपुर से। जोधपुर से केलाओ खुर्द, महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम स्वरूप सिंह जी है, महेंद्र सिंह का भाई हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ माता जी की जोत लेने के लिए आए हैं? माता जी की जोत लेने के लिए। अच्छा, तो वहाँ पर जैसे जोत से फिर क्या, वहाँ आपका मंदिर है क्या? है मंदिर, है माता के घर पे। अच्छा, माता को स्थापित करेंगे उधर। माता के मंदिर में मतलब मूर्ति स्थापना करोगे? मूर्ति स्थापना करेंगे। मूर्ति स्थापना करने के लिए यहाँ से भादरिया माता के मंदिर में। और इस मंदिर की थोड़ी महिमा प्रतिष्ठा के बारे में जानना चाहूँगा। आप लोग जैसे यहाँ मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? जैसे आने का यहाँ पे पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। पीढ़ियों से जुड़े हैं। आपकी क्या कुलदेवी के रूप में? कुलदेवी के रूप में, भाटियों की कुलदेवी है। भाटियों की कुलदेवी, राजपूत भाटियों की कुलदेवी है। बिल्कुल, राजपूत भाटियों की कुलदेवी के रूप में पूजित है। और ये परिवार यहाँ पर जोत लेने के लिए यहाँ पर आया है जो कि जोधपुर से है। और माता जी के मंदिर में यह प्रवेश करते ही बहुत ही सुंदर यहाँ पर हरियाली का मौसम है। यह रेत के धोरों के बीच हरा भरा स्थान। और मंदिर का यह प्रवेश द्वार जैसलमेर के पीले पत्थर शानदार कारीगरी के साथ बना हुआ है। और मंदिर पर यह लाल ध्वजा माता जी की धर्म ध्वजा लहराते हुए बहुत ही दिव्य और सुंदर मंदिर बना हुआ है, भादरिया राय माता का मंदिर। जोड़े की जात फेरी देने भी लोग यहाँ पर आते हैं। और यह माता जी के मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर माता जी गर्भगृह में विराजमान है। दिव्य मंदिर स्वांगी माता जी का। लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। यह गर्भगृह जहाँ पर माता जी विराजमान हैं, भक्त लगातार यहाँ दिन भर आते रहते हैं, गहरी श्रद्धा का स्थान है ये। यह गर्भगृह में माता जी विग्रह के रूप में विराजमान है। माता जी सात बहनें और एक भाई थे और आठ मूर्तियां यह स्वरूप में यहाँ पर बनी हुई हैं।
सवांगी माता जी के मंदिर में हम मौजूद हैं। इस मंदिर के विग्रह में माता जी की जो मूर्ति विद्यमान है, पुजारी जी यहाँ पर जो सेवा रोज करते हैं, थोड़ी जानकारी उनकी लेते हैं। पुजारी जी थोड़ा परिचय बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंद किशोर शर्मा है। और आप यहाँ पे सेवा पूजा कब से कर रहे हैं? तकरीबन हमारे 7 पीढ़ी होगी, जब से मंदिर बना तब से हमारे परिवार से इकट्ठे आ रहे हैं। तो मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी बताएं, माता जी के जो स्वरूप यहाँ विराजमान है उसके बारे। ये स्वांगी माता जी का मंदिर है और इसमें 7 बहनें और 1 भाई है और ये भाटी वंश की कुल देवी है ये। और जैसलमेर के महाराजा गजेंद्र सिंह जी ने आज से तकरीबन 200 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण करवाया था और ये भाटियों की आस्था है, भाटियों की कुल देवी है, उसे सारी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हाँ, और जो यहाँ पर जो 7 बहनों की जो मूर्तियाँ बनी हुई है, जो विग्रह बना हुआ है, उनके थोड़ा नाम भी बताएं। इसमें 7 बहनें हैं जिसमें 6 स्थान तो इनके जैसलमेर में ही है। नंबर 1 तन्नोट, घंटियाली, चैमड़ा, देग राय, काली डूंगर राय और भादीजा राय, और 1 स्थान इनका है गुजरात में खोड़ियार माता का। 7 बहनें हैं, 7 ही इनके स्थान हैं। घनश्याम जी भी मेरे साथ में हैं जो यहाँ मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं, मंदिर की जो जगदम्बा सेवा समिति बनी हुई है। घनश्याम जी, थोड़ा इस मंदिर के इतिहास को समझना चाहूँगा कि ये मंदिर लगभग कितना पुराना है और किस तरह लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। ऐसा है, अभी पुजारी जी ने जैसे बताया है कि लगभग मंदिर 100-200 साल पुराना है और जैसलमेर के महाराजा गजेंद्र सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। तो आपको पहले जैसे जैसलमेर और बीकानेर राजघराना में जो अटैक हुआ था और उसमें जैसलमेर राजघराने की अजय विजय प्राप्त हुई थी, उसके उपलक्ष्य में राजा और रानी दोनों पैदल चल के यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ मंदिर की नींव रखी और मंदिर के लगभग 7 से 8 किलोमीटर चारों तरफ लगभग 1.25 लाख बीघे में दूध की धार देके इसको औरण घोषित किया। ये जो मंदिर है ये अभी बहुत विशाल रूप से बना हुआ है, तो ये विशालता इसकी कब से आई? ऐसा रिनोवेशन कह सकते हैं अपन। हाँ, उसमें तो लगभग ऐसा है, उसके बाद में जो भादीरिया जी महाराज जी आए, उन्होंने लगभग इसका 2-3 बार जीर्णोद्धार करवाया और उसके बाद लोगों को जैसे जानकारी बढ़ती गई उसके हिसाब से लोग भी संख्या भी बढ़ती गई और बाबा जी ने यहाँ पुस्तकालय का भी जो निर्माण करवाया उसके बाद में भी संख्या यहाँ तत्र बढ़ रही है। इसे बिल्कुल यहाँ की थोड़ी मान्यता के बारे में थोड़ा जानकारी चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं तो विशेष रूप से यहाँ पर जैसे क्या चढ़ाने का, पूजा करने का क्या मतलब यहाँ की विधि है और किस समय में यहाँ पर विशेष रूप से ज़्यादा लोग आते हैं? ऐसा है, यहाँ साल के 4 मेले लगते हैं, 2 नवरात्रि के, 1 माघ मेला, 1 भादवा मेला और 4 मेलों में अच्छी तादाद में लोग आते हैं, यहाँ हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। और यहाँ पर जैसे नई नई जो शादियाँ होती हैं तो अपनी जात देने के लिए या अपने जो बाल चढ़ाने के हिसाब से जड़ूला जिसे बोलते हैं तो उसके हिसाब से भी लोग यहाँ खूब आते हैं। यहाँ पर जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनसे थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से, क्या नाम? मैं पुन्ना से हूँ, ये मेरी पीर की माता है बेलगाम की। आपका नाम क्या है? सोनाली भुतड़ा। सोनाली जी, यानी पीहर से कुल देवी? हाँ, कुल देवी भट्टड़। अच्छा, कुल देवी। हाँ, कुल देवी। तो यहाँ पर जैसे विशेष जो भी आप घर में जैसे कोई विशेष मांगलिक कार्य होता है जब आप यहाँ आते हैं, आप मांगलिक कार्य होता है शादी के बाद भी मैं यहाँ पे आके देवी माँ के दर्शन लेके बाद में ही जोड़ा को जाता जाते बोलते हैं उसको, जाता जाते दी जाती है देवी माँ को। हाँ, ये मेरी पत्नी है, सूरज भुतड़ा। और यह है इस मंदिर से संबंधित जो शिलालेख है उसे यहाँ पर लगाया गया है और इसी तरह मंदिर के अंदर दोनों तरफ शिलालेख लगा हुआ है। इस मंदिर से संबंधित संपूर्ण जानकारी इसमें मौजूद है और भक्त यहाँ पर लगातार दिन भर आते रहते हैं। गहरी आस्था का यह केंद्र स्थान है। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप लोग? मैं जयपुर से आया हूँ सर। दुर्गेश राठौर। तो यहाँ इस मंदिर के बारे में मतलब आप कब से जुड़े हुए हैं इस मंदिर में आने का? जो फर्स्ट टाइम आया हूँ सर। फर्स्ट टाइम आए हैं, यहाँ पर आने का कैसे प्रेरणा हुई? सर, ये हमारे ब्रदर इन लॉ है, उनकी कुलदेवी है ये। भादरिया राय माता जी के मंदिर में ये देखिए 9 जो विवाहित हैं वो भी जोड़े से जात देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा, आप लोग कहाँ से? कोला सर। कोला सर से। और आप? सोनू।
सोनू जी, और आपका शुभ नाम? नवल किशोर। हाँ, आपकी क्या अभी नई शादी हुई है? हाँ जी। तो ये शादी के बाद में जो प्रथम जो जिसको जोड़े की जात बोलते हैं उसके लिए आए हैं आप? हाँ जी। कैसा महसूस होता है आप यहाँ पर आते हैं? खुशी महसूस होती है। खुशी महसूस होती है। और आप लोग कहाँ से हैं? भोजू सर से। और आप क्या अभी नई नया नया शादी हुए हैं? बिल्कुल। तो आप शादी के बाद पहली बार जो जोड़े की जाते हैं जिसको? पहली बार। मंदिर की परिक्रमा जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत जैसलमेर के उस पीले पत्थर की कारीगरी के साथ यहाँ पर बनाई गई है। गोल्डन कलर का दिखाई देता है जब ये सुबह सुबह का समय होता है। और ये जाल का वृक्ष है परिक्रमा में ही, और इस जाल के वृक्ष के भी दर्शन लोग करते हैं जब यहाँ पर आते हैं। मंदिर के पीछे ही यहाँ विशाल जाल का वृक्ष है, और कहा जाता है कि ये जाल का वृक्ष इस मंदिर के बनने से भी पुराना है। और इस जाल के वृक्ष की क्या महिमा है वो हम घनश्याम जी से जानते हैं। यहाँ का जो मूल स्थान है वो यही है, जाल का पेड़। किद्वंती ऐसी है कि यहाँ पर जो एक माता जी के भक्त थे, जो एक सूखी लकड़ी गाड़ी थी और उन्होंने माता जी से अरदास की थी, उनको वैसे देख जाना था दर्शन के लिए, लेकिन उनको बीच में थकान महसूस होगी तो उन्होंने माता जी से अरदास की कि ये लकड़ी यहाँ डाल रही हूँ और रात रात में हरी हो गई, तो मैं मान लूँगी माता जी ने मुझे यहीं दर्शन दे दिए हैं। तो फिर ये रात रात में हरी हो गई थी, तब से इसकी मान्यता बढ़ गई है और लोग इसको पूजने लगे हैं, और उन्होंने फिर उसके बाद में इसको मूल स्थान माना गया माता जी का, और यहाँ पर धाम माना गया। वैसे यहाँ पर भक्त दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हैं मंदिर की। भादरिया जी महाराज की समाधि स्थली जो संगमरमर सफ़ेद पत्थर से बहुत ही खूबसूरत कारीगरी के साथ बनी है, बहुत ही विशाल समाधि स्थल मंदिर। श्री श्री हरवंश सिंह जी निर्मल, जिन्हें भादरिया जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, और आप यहाँ पर 2016 विक्रम संवत पे यहाँ पर आए थे, जिसे अंग्रेजी 1959 में और 1961 में यहाँ पर जगदम्बा सेवा समिति की स्थापना की। इस मंदिर को एक नया स्वरूप प्रदान करने में उनकी एक अहम भूमिका रही, विशाल स्वरूप उन्होंने प्रदान किया इस मंदिर को। यह है वो समाधि स्थली जहाँ पर महाराज श्री ने समाधि ली थी। लगभग 50 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर जगदम्बा सेवा समिति बनाकर यहाँ पर सेवा की और इस क्षेत्र को हरा भरा बनाया, यहाँ माता जी के मंदिर को विशाल स्वरूप प्रदान किया। और यह महाराज श्री की चरण पादुका भक्तों के दर्शनार्थ यहाँ पर रखी गई है। अखंड ज्योत जो यहाँ पर प्रज्वलित रहती है, संगमरमर जो मकराना पत्थर है सफ़ेद, उसकी शानदार कारीगरी के साथ इस समाधि स्थली को और भी दर्शनीय बनाया गया है। लोग यहाँ पर समाधि स्थली के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये महाराज जी का सबसे लंबा एकांतवास है, ये कुटिया है, ये जितना ऊपर है उतना गहरा भी है नीचे। जब महाराज जी को साधना करनी होती तब नीचे बैठते, जब उनको अध्ययन करना होता ऊपर बैठते। इसमें कम से कम महाराज जी ने 1500 से 2000 बुक्स का अध्ययन किया, और इसमें महाराज जी टोटल 10.5 साल विराजे, 9 साल 7 महीने 11 दिन कंटिन्यू इसके अंदर। उस टाइम में महाराज जी को किसी ने बाहर नहीं देखा। और यह है विशाल पुस्तकालय है जहाँ पर करीब 1 लाख से ज़्यादा पुस्तकें ज्ञानार्थ रखी गई है। मंदिर में भूमिगत पुस्तकालय यहाँ पर बनाया गया विशाल, जो मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं वो यहाँ पुस्तकालय में भी आते हैं। बहुत ही विशाल संग्रह यहाँ पर किया गया है और पूरा भूमिगत यहाँ पर बना हुआ है। और ये सभी धार्मिक पुस्तकें हैं जिनमें श्रीमद् भागवत कथा, वेद, भृगु संहिता, भागवत रहस्य, महाभारत, रामचरितमानस जैसी पुस्तकें हैं।
लॉ सेक्शन है जिसमें कानून संबंधी जो पूरी जानकारी भरी पुस्तकें यहाँ पर एक पूरा संग्रहित किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का जो मूल संविधान है ओरिजिनल की कॉपी है, इसमें जितने भी जो कमेटी मेंबर्स हैं सबके सिग्नेचर्स हैं। देखिए बहुत विशाल पुस्तकालय है, इसमें कुछ भाग लॉ संबंधित हैं, आगे जो अलग अलग सब्जेक्ट है सारे। विश्व के टोटल 11 धर्म हैं जिसमें 7 धर्मों की बुक्स अपने पास आ चुकी हैं, 4 की अभी आनी बाकी है। 7 धर्मों की मूल प्रतियाँ इसके अंदर हैं, वैसे 7 धर्मों की अलग अलग अलमारियाँ भी हैं आगे जो अपन देखेंगे अभी आपको। ये वैदिक धर्म संबंधित हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और हिंदू धर्म रिलेटेड। उसके बाद में फिर आगे से अलग अलग जो अलमारियाँ हैं अलग अलग धर्मों की, जिसे आप देखेंगे ये कितनी अलमारियाँ हैं। जैन धर्म है, ये जैन धर्म से संबंधित, ये बौद्ध धर्म से, ये बाइबल ईसाई धर्म, कुरान मुस्लिम धर्म, गुरु इस्लाम धर्म से संबंधित, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म और अविस्ता पारसी धर्म। तो 7 धर्म आ चुके हैं, 4 की अभी आनी बाकी हैं, तो उसकी भी आने वाले टाइम में बुक्स अभी आएगी। नहीं, ये लगभग इसका कितना बड़ा आकार है, कितनी अलमारियाँ हैं ये संग्रहालय जो ये पुस्तकालय? इस पुस्तकालय के अंदर लगभग 562 ये अलमारियाँ हैं और 16,000 फीट ये रैक्स बनी हुई है जो आप देख रहे हैं ऊपर रैक्स, ये 16,000 फीट रैक्स हैं, इसमें भी बुक्स आएगी। और ऐसी जो गैलेरियाँ हैं टोटल ऐसी 4 गैलेरियाँ हैं जिसमें 225 फीट की 2 गैलेरी हैं और 365 फीट की 2 गैलेरी हैं और इसमें टोटल 18 रूम है। इसमें टोटल 9,00,000 से ऊपर बुक्स हैं। अभी ये इंग्लिश के टी स्टेप में बना है, टी आकृति में। ये जैसे 365 फीट लंबा है, इसको ये 225 फीट वाला कट करता है, तो ऐसे ये टी स्टेप में बना, इसके हिसाब से ये सेंटर पॉइंट है। ऐसा कि मानी हुई ये लाइब्रेरी है, बाबा हरवंत सिंह जी ने देश के लिए अपना अथक प्रयास किया, ये राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान के लिए एक डैन है जो सिर्फ सब प्रभुदात इसको देखते गदगद होते हैं और उस साधु को नतमस्तक करते हैं कि इतनी अथक प्रयास किया कि ये लाइब्रेरी जैसलमेर जिला नहीं जो राजस्थान ने नहीं पूरा पूर्व भारत में ये ख्याति प्राप्त की है। आपका परिचय बताएं थोड़ा। मैं चंद्रराम कुमावत हूँ, रिटायर्ड पेशकार कलेक्टर, PA2 कलेक्टर बीकानेर। ये जैसे इसमें सारी राजस्थान का इतिहास है, हिस्ट्री संबंधित है, पॉलिटिकल साइंस है, जूलॉजी है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, फिलोसॉफी है, तो काफ़ी कुछ सब्जेक्ट्स हैं इस गैलरी में। और इसमें जो 18 रूम है, आपको जो रूम भी मैं एक रूम खोल के दिखाऊंगा आगे, इसमें जो 18 रूम बने हुए हैं, रूम के भी चारों तरफ एक रैक्स बनी हुई है, वो सारे रूम 18 रूम सारे फुल है अभी। और अभी इसमें काफ़ी कुछ बुक्स आनी बाकी हैं। जो 18 रूम हैं वो आपको एक रूम खोल के दिखाता हूँ, ऐसे टोटल 18 रूम है इस पुस्तकालय के अंदर। तो बाहर जो 16,000 फीट जो मैंने बताई थी ये रैक्स बनी हुई है, इस रैक्स के अंदर इस हिसाब से बुक्स रखी जाएगी, तो ऐसे 18 रूम सारे फुल हैं। तो अभी इसमें अलग अलग जैसे इसमें लॉ संबंधित बुक्स हैं, मतलब सिर्फ धार्मिक स्थान और न होकर के पुस्तकालय जो है वो संपूर्ण तरह की जो जानकारी ज्ञान जो भी है। राज्य की इच्छा थी कोई भी व्यक्ति यहाँ शोध के लिए आता है उसको यहाँ से निराश होकर ना जाना पड़े, इस संबंध में उन्होंने ऐसा फरमाया है। यहाँ जैसे ये रूम जो बनाए थे उन्होंने इसी संबंध में बनाए थे, जैसे कोई भी बुक्स यहाँ उपलब्ध नहीं होगी तो विश्व कि दूसरी पुस्तकालय में उपलब्ध होगी तो उसकी माइक्रोफिल्म बना के रखी जाएगी और माइक्रोफिल्म द्वारा जानकारी दी जाएगी। और यह है निर्मल ज्योति भादरिया जी महाराज का स्मृति संग्रहालय है। ये भी नदियों के जो पत्थर थे तो भिन्न भिन्न आकृति के सारे इकट्ठे किए। और ये जो सामने आपकी महाराज जी की मूर्ति दिख रही है ये कपड़े पर कसीदाकारी है। ये मूर्ति में कोई कलर यूज़ नहीं हुआ है, अलग अलग कलर का धागा यूज हुआ है, ये धागे से बनी हुई मूर्ति है। मंदिर की जो अरुण भूमि है जिसमें महाराज जी ने बहुत लंबा लगभग 40 साल संघर्ष किया इसको अरुण भूमि दर्ज कराने के लिए, तो उसमें ये जीव जंतु पशु पक्षी स्वच्छंद विचरण करते हैं, जैसे गोवंश है या हिरण है या खरगोश है या ऊँट है जो भी हैं, तो सारे स्वच्छंद विचरण करते हैं। बाबा जी जो गौशाला निरीक्षण करने या फिर
वृक्षारोपण करवाने उस संबंध की फ़ोटो है। आपने एक बार नौ देशों की यात्रा की थी, उस समय के जो कुछ फ़ोटोज़ हैं ये, और ये अपना जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ, आप मेन रोड से जो टर्न करते हैं और मेन रोड से फिर अपने ये जो नस्ल सुधार केंद्र हैं और यहाँ पर गौशाला के सारे जो एमरजेंसी वार्ड वगैरह हैं, और ये आवासीय विद्यालय हैं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, और ये अपने मंदिर का जो जितना भी ये पुस्तकालय जो बना हुआ है इंग्लिश के टी सेप में, ये समाधि स्थल वगैरह ये मंदिर है, और आगे गांव है। ये गांव से 7-8 किलोमीटर अपने दो कैंपस हैं, जहाँ एक में नंदी है एक में गाय हैं। लगभग वहाँ पर 15,000 से 20,000 नंदी एक ही साथ में मिल जाएंगे, और वहाँ सोलार की व्यवस्था है, जनरेटर की व्यवस्था है और चारे पानी की व्यवस्था है। ये जो मंदिर का आपको बताए थे, महाराज जी ने 2 बार जीर्णोद्धार कराया था, ये ऐसा भाग था पहले, ऐसा भी था, तो ये महाराज जी ने उसके बाद और जीर्णोद्धार करवाया। ये बाबा जी की कुटिया है जिसमें उन्होंने 10.5 साल साधना की। ये देखो इसके आजू बाजू में एकदम वीरान जंगल लग रहा है, रेत के टीले, तो अभी आप जो देख सकते हो कैसा है। ये पीछे जो जाल का पेड़, अपन माता जी के जो दर्शन किए थे, मूल स्थान है जाल उसका। इधर पूर्व राष्ट्रपति उस समय यहाँ न्यूक्लियर हुआ था उस समय आए थे, तो उनकी बाबा जी से 2 बार मुलाकात हुई थी। तो उनकी जो अंतिम बुक से टारगेट 3 बिलियंस, उसमें बाबा जी के संबंध में यहाँ के बारे में कलाम साहब ने लिखा अपनी बुक्स में। जितने भी जो मुद्राएं जारी हुई है, देसी और विदेशी, ये सारी देसी मुद्राएं, ये विदेशी मुद्राएं, इनका भी संग्रह है। अभी ये शॉर्टकट में यहाँ लगा है, विस्तार रूप से लगेगा। हल है जिससे बाबा जी वृक्षारोपण करवाते थे, और इस तरह बाबा जी ने एक बार 9 देशों की यात्रा की थी, तो पासपोर्ट है, और ये उन्होंने एक संकल्प पत्र लिखा अपने खुद के लिए 1962 में। और ये है यज्ञशाला, जहाँ पर निरंतर हवन यज्ञ वगैरह चलते रहते हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम भादरिया गांव से, जहाँ पर सवांगी माता का विशाल मंदिर यहाँ पर स्थापित है, और सवांगी माता स्वांग भाले को कहा जाता है, और भाला धारण किए हुए माता जी का यह मंदिर है। कई वंशों की यह कुलदेवी है। यहाँ पर श्री श्री हरिवंश सिंह जी निर्मल, जिन्हें भादरिया जी महाराज कहा जाता है, उन्होंने स्थान को एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें का संकलन यहाँ पर किया। यहाँ पर एक विशाल पुस्तकालय यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें हर तरह की ज्ञान यहाँ पर व्यक्ति आकर के शोध कर सकता है, ज्ञान यहाँ पर ले सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर समाधि स्थल भी है महाराज श्री का, जहाँ पर भी जो लोग आते हैं वो दर्शन करते हैं। तो जब भी आप कभी जोधपुर से जैसलमेर की ओर जाएं, तो मार्ग में धोलिया गांव के पास ही भादरिया गांव का यहाँ पर एक बहुत शानदार स्वागत द्वार बना हुआ है, कभी इसके अंदर प्रवेश कीजिए, और एक विशाल मंदिर, विशाल ज्ञान के स्थान का आप भी दर्शन कीजिए। भादरिया गाँव से मैं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ, आप सभी का धन्यवाद।